बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लबैक या हुसैन सलाम अलैकुम नाज़रीन, मैं सैयद फ़ैज़ हुसैन, आप तमाम नाज़रीन और सामईन की खिदमत में बज़रिए यामशिया इस्लामिक टीवी चैनल हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं ख़दमे रसूल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है जो 10 माह मुहर्रम आशूरे के दिन अलम बीबी जो बरामद होता है वो हत्ती के लिए, हत्ती पर सवारी अलम मुबारक बरामद होती है, उसी हत्ती को ये करना तमाम रास्तों में गश्त करवा रहे हैं क्योंकि वो आशना हो जाए रास्तों से, किसी किस्म की दिक्कत ना हो जो अलम बीबी की सवारी बरामद होती है। तो इस सिलसिले में तमाम ये जो हत्ती के सिलसिले में क्या तफसीलात है, कब से ये सवारी निकल रही है, कौन से हत्ती बदले गए हैं, इस सिलसिले में हामिद हुसैन जाफरी साहब को ज़हमत दूंगा कि आप नाज़रीन को तफसीलात से आगाह कराएँ। अस्सलामु अलैकुम। लबैक या हुसैन, लबैक या ज़हरा। जैसे कि आप देख रहे हैं आज 6 मुहर्रम को हाथी का ये तो रेलचेल किया जा रहा है। असल बात तो ये है कि इस जुलूस में 10 मुहर्रम के जुलूस में पहले 4 हत्ती थे, फिर उसके बाद 2 हत्ती रहे और उसके बाद 1 हाथी रहा। ये सिलसिला जारी रहा। जब हैदरी हत्ती मरने के बाद हमारे को ये तो बड़ा प्रॉब्लम हुआ और हैदरी हत्ती का जो तो एक लड़का जो बच्चा था जिसका नाम है रजनी, जो आज भी जू में हैदरी मौजूद है, जो ट्रेन है, और उसके बाद से जो है मुसलसिल जो है हम किराए के हाथी लेके आए। इससे पहले जब किराए का हाथी लाए, पटेल साहब बोल के एक चूड़ी बाज़ार के साहब थे, जो पटेल साहब किराए का हाथी इसको काजम नवाज जंग और आबेद रजवी साहब और अलीउद्दीन आर्य प्राप्त की कोशिशों से किराए के हाथी को लेके आए। किराए का हाथी पटेल साहब ला के उड़ीसा से लाए थे, कटक से लाए थे। फिर वो जो तो हाथी तकरीबन 2 साल चलते रहा। 2099 में वो हाथी जो तो किसी हादसे का शिकार हुआ, वो नहीं चलने के बाद फिर एक मरतबा जो है तो हमारे पास रजाली हाशम साहब ने हाशमी नाम की हाथी को जो तो फिर लाया। उसके बाद वो भी हाथी 4 साल चलने के बाद फिर हाथी का इंतकाल हुआ। फिर से जो तो हाथी हम किराए से लाना शुरू करें, इसमें अलीउद्दीन आरिफ साहब, फातिमा सेवादल, मिर्ज़ा मुस्तफ़ा अली बेग साहब, काजिम अली साहब और ई सुदर्शन दास साहब उनके बच्चे और चारमीनार बेग, ये हत्ती के सिलसिले में बिला मजहब व मिल्लत लोग ने खिदमत की और अपना ताउन पेश किया। तो जैसे जो है हमारे पास जब हत्ती आने के सिलसिले में रुकावटें आई, तो एक वाक़ा ये भी है कि 2009 में एक हुकूमत इंडिया का कानून बना कि कोई भी हाथी जानवर किसी के पास रखा नहीं जा सकता। तो इस सिलसिले में एमए का एमपी राजिया तबा ने 40 एमपीओ की दस्तखत लिया, आंध्र और तेलंगाना एक ही था। 40 एमपीओ ने जो तो ये रिक्वेस्ट किया अक्कन्ना माधरनाथ टेम्पल के लिए जुलूस और 10 मुहर्रम के जुलूस के लिए हाथी को दिया जाए। उसके बाद से किराए का हाथी लाते जाते हैं, इसका किराए का निज़ाम ट्रस्ट कभी पे करा, कभी कोई और कार्यकारी भी पे करे, लेकिन पिछले 2009 से इसमें जो है तो हाथी हमारे पास जो किराए के आने की वजह ये है कि ट्रेन हाथी को लाया जाता था और आज भी माधवी जो है ये दूसरा साल है। इससे पहले बेजापुर से आया था, बेजापुर का हाथी मर गया, मरने के बाद में फिर अब कोल्हापुर से जो तो ये कोल्हापुर की मंदिर का हाथी है, ये हाथी इसको जो तो 4 लाख रुपये ग्रांट मिला वक्फ बोर्ड से, 4 लाख रुपये और फूड अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट के 2 लाख रुपये, जुमला 6 लाख रुपये में ये हाथी है। ये हाथी को जो है बहरहाल बोलने का मकसद किसी भी हालात में हमारे इस बीबी के एलम की सवारी के लिए रैन बाज़ार चीटी पुलिस रैन बाज़ार में वहाँ पर पुलिस पिकेट रहती है, वहाँ के इंस्पेक्टर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है और एसीपी मिर्चक के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि अलम में हीरे जवाहरात रहते हैं और लोग ज़ाहरीन आते हैं और 10 मुहर्रम के जुलूस की पूरी निगरानी इंस्पेक्टर रैन बाज़ार के और एसीपी मिर्चक के जिम्मे रहती है और हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर पूरे जुलूस को मॉनिटर करते हैं। आपने देखा कि तो साले गुज़िश्ता जो है अंजनी कुमार साहब भी इसकी जो तो निगरानी किए, 3 साल उन्होंने भी किया और बी आनंद साहब एसीपी रहते हुए भी किए और आज एडिशनल डीसीपी रहते हुए भी यहाँ पर खिदाम दे रहे और हमारे नए डीसीपी साउथ जोन और सी बी आनंद साहब हमारी 16 तारीख को सेक्रेटरीट में मीटिंग में हमसे ये गुजारिश किए थे कि आपकी कम्युनिटी आप जो है एक जो है तो जियो लाइए, तो इसके लिए जो तो हैदराबाद एमपी जनाब असदुद्दीन अवेजी साहब ने नुमाइंदगी की, उसके जिम्मेदार रियाजुल हसन अपंदी को बनाया और जियो नंबर 28 डेट 27 जुलाई को जो जियो निकला और इस जियो के रोशनी में ये हाथी बरामद हुआ जिसका आज ट्रायल हो रहा है। ये जो है तो माधवी है और बहुत ब्यूटीफुल है, इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। मैं हामिद हुसैन जाफरी। पटेल साहब जो कर रहे थे अब तक खिदमत हाथी के लिए, अब इस वक्त हाथी पर जो सवार है वो कौन है? ये जो तो महाराष्ट्र के लोग हैं। पटेल के एक बच्चा रहता है, चुप रहता है, पिछले 17-18 साल से रहता है, लेकिन ये हाथी की निगरानी और इसकी इंतजाम के लिए रियाजुल हसन अपंडी साहब की कोशिश थी, हम लोग देखे वो मैं आपको बोल सकता हूँ। आपका शुक्रिया।
नाज़रीन सामाईन अर्ज़ करने का मकसद ये कि तमाम तफसीलात आपके सामने पेश की गई वो ये है कि माह मुहर्रम में कोई मजहब बिला मजहब व मिल्लत हुसैन इब्ने अली से अकीदत रखता है और खिदमत करने की कोशिश करता है और इसका अजर और मादर हुसैन देगी, ये हमारा इतिहाद हमारा ईमान है। और इस सिलसिले में हम हुसैनियत जो है ये हुसैन के प्रथम चले तमाम कौम व मिल्लत आती है खिदमत करती है, यही पैगाम और यही इत्तलात हम ये यामशिया इस्लामिक टीवी चैनल के जरिए हमारे बानी हाशिम अली मिर्ज़ा डायरेक्टर में सादत अली खान खातिम सैयद फ़याज़ हुसैन और तमाम टीम यही कोशिश करती है कि जिस तरह से हमारी कौम व मिल्लत में जिस तरीके का इत्तेहाद व इत्तेफाक़ है इससे तमाम लोग दर्स लें और खिदमत करने की कोशिश करें, इंसानियत की खिदमत करें। इसी के साथ मैं आपका खादिम सैयद फ़याज़ हुसैन रुख्सत होता हूँ, खुदा हाफिज़ फ़ी अमान। गूंजेगी फिजाओं में सदाहाए हुसैन, फिर आ गए अय्यामे अज़ाहाए हुसैन। जफाए हुसैन हुसैना।
अबाए हुसैना। सरवर में बुका है, बहता हुआ पानी मेरी आंखों से गिरा है। घर में बिछी फर्शे अज़ाए हुसैना। بسم الله الرحمن الرحيم। हर एक गाम पा खालिक का शुक्र करते हुए, पिसर की नन्ही सी मैयत पा आह भरते हुए, पुकारे लाशे असगर को दफन करते हुए, अब्बास हुसैन हो गया तन्हा। अब्बास हुसैन हो गया तन्हा, हुसैन हो गया तन्हा। सदा ये भाई को देते थे हजरत शबीर, गले को छेद के निकला जो तीन बाल का तीर, गले को छेद के निकला जो तीन बाल का तीर, तड़प के मर गया बच्चा हो गया तन्हा। मदद को आओ बस घर को दफन करता हूँ, मदद को आओ बस घर को दफन करता हूँ, कहाँ हो ऐ मेरे भैया हो गया तन्हा। दिया उठाया साथ में कासिम का खून भरा लाशा, उठाया साथ में कासिम का खून भरा लाशा, अब आके दे दो सहारा हो गया तन्हा। जवान बेटे की मैयत उठा के ले आया, मैं उसके सीने से सीना लगा के ले आया, मैं उसके सीने से सीना लगा के ले आया, मैं
اس کے سینے سے سینہ لگا کے لے آیا، جوان مر گیا میرا، اسے ہو گیا تنہا، حسین بولے کہ اب مرنے جا رہے ہیں ہم، حسین بولے کہ اب مرنے جا رہے ہیں ہم، نہیں ہے کوئی سہارا، حسین ہو گیا تنہا، لگاؤ برچیاں بھالے حسین جھومتا ہے، لگاؤ برچیاں بھالے حسین جھومتا ہے، یہ ہنس کے کہتے تھے آدھا، حسین ہو گیا تنہا، شمر سے بڑھ کر زمین پہ گر گیا گھوڑے سے دلبر حیدر، زمین پہ گر گیا گھوڑے سے دلبر حیدر، کرو حسین پہ حملہ، حسین ہو گیا تنہا، حسین کی غربت پہ ہنستے جاتا ہے، کوئی حسین کو حد سے سوا رلاتا ہے، کوئی حسین کو پتھر لگاتے جاتا ہے، کوئی حسین کے لاشے کو کھینچ لاتا ہے، لگایا کوئی تماچا، حسین ہو گیا تنہا، اٹھا کے لے گئے لاشوں کو اپنے اپنوں کے، اٹھا کے لے گئے لاشوں کو اپنے اپنوں کے، پکارا شاہ کا لاشا، حسین ہو گیا تنہا، سو گئے مقتل میں سرور، حشر کا ہنگام ہے، سو گئے مقتل میں سرور، حشر کا ہنگام، مقتل میں سرور، حشر کا ہنگام ہے، اہل بیت مصطفیٰ پر بے کسی کی شام ہے، مقتل میں سرور حشر کا ہنگام ہے، سو گئے مقتل میں سرور
हश्र का हंगाम है। शाम वो शाम है गरीबा आ गई सौ गम लिए, शाम वो शाम है गरीबा आ गई सौ गम लिए। जल चुके कैमे कहीं पर, पर और कहीं को राम है। सो गए मक्तल में सरवर हश्र का हंगाम है, सो गए मक्तल में सरवर हश्र का हंगाम है। तमाचे एक यतीमा पर खुदाया इस कदर, एक यतीमा पर खुदाया इस कदर। उम्मत इस्लाम का क्या, उम्मत इस्लाम का क्या, उम्मत इस्लाम का क्या खूब ये नाम है। मक्तल में सरवर हश्र का हंगाम है, सो गए मक्तल में सरवर हश्र का हंगाम है। बाप का सीना मिलेगा अब कहाँ बेबे तुम्हें, बाप का सीना मिलेगा अब कहाँ बेबे तुम्हें। खाक के बिस्तर पे सोना, खाक के बिस्तर पे सोना, खाक के बिस्तर पे सोना अब तुम्हारा काम है। हुसैन जिंदा।